भिलाई नगर निगम अपने क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त करने लगातार अभियान चला रहा है। ताजा मामले में हुडको क्षेत्र में शिकायत मिलने के बाद निगम भिलाई के तोड़ू दस्ते ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को ढहाया और कब्जा मुक्त कराया। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने निगम की टीम द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने के साथ ही स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत हैं। वह इसके लिए निगम की गठित बेदखली टीम को निर्देश दे रखे हैं। वहीं आयुक्त ने निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अतिक्रमण की शिकायत आती है तो उनका निरीक्षण कर वास्तविकता का पता लगाएं और जल्द बेदखली की कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में जोन 5 के आयुक्त के निर्देश पर हुडको निवासी विजय लक्ष्मी सोनी और अन्य 4 लोगों द्वारा सड़क मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया गया था। इसे जोन 5 की राजस्व विभाग और विशेष तोड़ू दस्ते की टीम के संयुक्त प्रयास से हटाया गया। देखिए, हुडको क्षेत्र का मामला है और हुडको में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि किसी ने अतिक्रमण कर लिया है। हाल ही में कुछ ऐसा भी आया था कि जिसमें शौचालय निर्माण निगम की ओर से करना था, वहाँ पर भी कब्जा कर लिया गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है निगम अलर्ट है। जहाँ पे भी अतिक्रमण की जो शिकायतें आती हैं या फिर संज्ञान लिया जाता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई की जाती है और निगम को जो जैसे भी हमेशा इन कार्यों के लिए तैयार रहता है। और यह जो है हमारे यहाँ से इसकी पर्टिकुलर टीम भी है जो इसकी मॉनिटरिंग करती है। पर्टिकुलर इसके ऑफिसर्स हैं जो इन सब चीज़ों पर मॉनिटरिंग करते हैं और अतिक्रमण को हटाने का काम करते हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी वी के सैमवेल, शशांक सिंधु, दुर्योधन साहू, मंगल प्रसाद, गौकरण कुर्रे, चैतुराम यादव, खेमलाल यादव, विष्णु सोनी, मान सिंह जांगड़े, डी मुसलैया, राहुल यादव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।